अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहदेव एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक इनफिनिक्स के गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है इनफिनिक्स 08। इसकी क्या प्राइस रखी जाएगी, इसका कब तक लॉन्च होगा और आपको इसका वेट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिजाइन की। तो इसका हमें जो डिजाइन देखने को मिलेगा वो काफी लेटेस्ट देखने को मिलता है और काफी फीचरिस्टिक देखने को मिलेगी। बैक साइड पर हमें डायमंड का डिजाइन देखने को मिलता है। जो कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिलेगा वो डायमंड शेप में देखने को मिलता है और क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसी कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही हमें जो इसकी एलईडी फ्लैश है वो भी देखने को मिलती है। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसकी बैक साइड पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात करें तो वो हमें 6.85 इंचेस का देखने को मिलेगा और ये एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो वो फुल एचडी प्लस देखने को मिलेगी, यानी कि 1080x2400 पिक्सल्स की। तो आप यूट्यूब वगैरह और इसके अलावा जो भी एप्स हैं वहाँ पे आप 1080p वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिलेगा, जो कि इनफिनिक्स स्मार्टफोन में हमें आज तक नहीं देखने को मिला। और ये गेमिंग स्मार्टफोन है, इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसके अंदर हमें 180 हर्ट्ज तक का जो टच रेट है, यानी कि टच सैम्पलिंग रेट, वो भी देखने को मिलता है। तो आपका जो रिस्पांस टाइम है, आप किसी भी चीज को टच करेंगे वो काफी फास्ट होने वाला है। इसके यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात कर लीजिए तो वो हमें 392 ppi की देखने को मिलती है। तो ऑल इन ऑल डिस्प्ले इसका हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पे तकरीबन सभी फीचर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें प्रोसेसर भी एक गेमिंग देखने को मिलता है, जो कि मीडिया टेक के हेलियो G90T है। ये एक 12 nm टेक्नोलॉजी में बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलेगा वो माली G76 का देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप सारी ही गेम्स हाई सेटिंग्स पर रन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा हीटअप इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी लिक्विड कूलिंग नहीं देखने को मिलती और जो मीडिया टेक के प्रोसेसर हैं वो हीटअप भी होते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियंट की बात कर ली जाए तो कन्फर्म जो किया जा रहा है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है। इसके अंदर हमें स्टोरेज भी काफी फास्ट देखने को मिलती है, जो कि UFS 2.1 की है। तो आपका जो स्पीड है ऐप ओपनिंग वगैरह ये भी काफी फास्ट देखने को मिलेगी। तो प्रोसेसर और वेरिएंट वगैरह यहाँ सारे ही कमाल के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैमरास की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें डुअल पंच होल के अंदर जो मेन सेंसर है वो 48 MP का देखने को मिलता है। इसी तरह सेकंड लेंस हमें 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रंट साइड पे हमें काफी अच्छे कैमरास देखने को मिलते हैं। बैक की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे जो मेन सेंसर है वो हमें 64 MP का देखने को मिलता है। सेकंड लेंस हमें 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और थर्ड लेंस हमें 2 MP का मैक्रो सेंसर और जो फोर्थ लेंस है वो 2 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। तो बैक कैमराज भी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ये 64 MP का मेन सेंसर है हमें ये सोनी की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि सोनी IMX686 है। तो आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है वो काफी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें 4K 30fps तक की जो स्पॉट है वीडियो रिकॉर्डिंग की वो भी देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ हमें EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन वो भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो वो हमें 960fps तक के देखने को मिलते हैं, जो कि काफी एक यूनिक फीचर है। इसके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो XOS है इनफिनिक्स का वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड भी तकरीबन लेटेस्ट ही देखने को मिलता है। यहाँ पे बैटरी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ठीक है आजकल के लिहाज से। यहाँ पे 5000 रखी जाती तो काफी अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि 33 W की है। इसके साथ साथ हमें टाइप सी की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो बैटरी और फास्ट चार्जिंग ये सभी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। इसके यहाँ पे कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके 3 colors हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें सिल्वर डायमंड, सेकंड हमें ब्लैक डायमंड और थर्ड जो कलर हमें देखने को मिलेगा वो ग्रीन डायमंड देखने को मिलता है। तो ये 3 colors इसके साथ हमें देखने को मिलेंगे, आपको जो भी पसंद है आप वो बाय कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो राउंड अबाउट कोई 37-38 के है। तो मे बी अगर ये ओवर प्राइस हो जाता है तो आप बिल्कुल भी इसको बाय मत करें, आप और स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी दी गई हैं, यहाँ पे अगर प्राइस सही आती है तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है इनफिनिक्स की तरफ से है, लेकिन जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस लगाई गई हैं वो काफी अच्छी हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि इसकी प्राइस अच्छी आती है तो आप इसको जरूर बाय करें। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।